रेफरी मोहित हाई मोहित बुरान के मोहन सावली जी हमारे साथ है। वेलकम है सर। काफी ज्यादा बच्चे आपकी क्लासेस से निकल के गए हैं, आपने काफी अच्छा ट्रेन उनको किया है। सुविधा की बात करें कितनी मेहनत आपने उनपे की, क्योंकि इतने बड़े चैंपियनशिप में सेकंड मेडल लेके आना काफी बड़ी बात है। सर बेसिकली होता यूँ है कि एक लड़की को तैयार करना इतना आसान नहीं है, और वो भी उस लड़की को जो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हो। आपको बता दूँ मैं सुनीता धुर्वे कम से कम 4 से 5 घंटे मिनिमम ट्रेनिंग करती है, मैक्सिमम उसकी 6 घंटे 7 घंटे की ट्रेनिंग हो जाती है। वो एक क्लास तो करती ट्रेनिंग है लेकिन दूसरी क्लास पर भी वो आती है, और हमारे इसके अलावा करीब 4 बैचेस चलती है इंदौर में, 4 बैचेस में नहीं कम से कम 2 में तो आती ही आती है। हम बताना चाहेंगे सुनीता धुर्वे जो अभी प्रैक्टिस में आई है टाइक्वांडो कराते और फिर मुए थाई, बेसिकली ये गेम इतना टफ होता है कि इसमें एल्बोज नीज ये सारी चीजें यूज कराते की बात करें टाइक्वांडो की बात करें तो मुए थाई कितना डिफरेंट है या फिर कितना टफ है या फिर वो चीज टफ है? देखिए मुए थाई एक्चुअली क्या वर्ल्ड मार्शल आर्ट का किंग कहा जाता है, जिसे आप विश्व में जितने भी मार्शल आर्ट देखेंगे उन मार्शल आर्ट्स में अगर किसी मार्शल आर्ट पर फोकस किया जाए तो वो होता है मुए थाई। जैसे आपने UFC MMA WWE ये सारे गेम देखे होंगे मार्शल आर्ट्स के, इन सारे गेम में बेसिकली नीज एल्बोज बॉक्सिंग पंचेस किक्स ये सारी चीजें यूज होती है, तो ये सारी चीजें डेवलप हुई है मुए थाई से। और मुए थाई ट्रेडिशनल गेम है थाईलैंड का, और थाईलैंड में जो मुए थाई होता है उसको ट्रेडिशनल नाम होता है मुए बुरान, और मोई बुरान की यहाँ मध्य प्रदेश में जो स्टेट बॉडी है उसका मैं यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ हूँ पिछले 2 साल से। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरे मास्टर प्रसन्न जी सिन्हा सर का जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने मोई थाई मोई बुरान के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। MP और इंदौर में मतलब अगर MP की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं है क्रेज अगर मोई थाई की बात करें तो, बट आप लेके और आपको बताना चाहेंगे ये नेशनल प्लेयर भी है, मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन ये भी खेल चुके हैं, ये भी काफी सारे लोगों को पंचेस और मुक्के मार चुके हैं। सर काफी टफ होता है अगर बात करें स्टेल की, आपने बात की नीज होती है पंच होते हैं हुक्स हैं, मतलब नॉकआउट करना है सिर्फ। टोटली नॉकआउट गेम है, अगर प्लेयर खेलने से मना कर जाए या रेफरी को लगे कि प्लेयर नहीं खेल पा रहा तो इमीडिएटली वहां पर स्टॉप किया जाता है गेम को, मतलब खिलाड़ी की सुरक्षा भी जरूरी है ये देखा जाता है रेफरी को। सर इस गेम में टच एंड पुश वाला नियम नहीं है, आपको ठोस मारना है और मार के जाना है। बिल्कुल मुए थाई गेम ही मुए थाई इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये फुल कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसमें नॉन कॉन्टैक्ट और टच एंड पुश कैटेगरी के गेम भी होते हैं जो चिल्ड्रंस के लिए होते हैं, जो छोटे बच्चे खेलते हैं उनके लिए पूरा हेड गार्ड चेस्ट गार्ड शिन गार्ड इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज होता है, और जिससे वो आगे करते हैं और उसके गेम आसान हो जाता है। बच्चों कितने दिनों में ये मुए थाई मुए बुरान की बात करें मुए थाई गेम कितने दिनों में सीखा, क्योंकि ट्रेडिशनल गेम में शरीर को तोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से, फिर से मसल बिल्डअप करना पड़ेगा, इतना लचीला बनना पड़ेगा उसके लिए। जी एक्चुअली लचीला बनना तो एक हमारी जो बॉडी होती है वो नेचुरल होती है, हर किसी इंसान की बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि वो खुद को डेवलप कर पाता है किसी पर्टिकुलर गेम के लिए। अब जरूरी ये होता है कि एक कोच किस तरीके से उसको देखता है कि हाँ ये किस तरीके से कौन से गेम में डेवलप हो सकता है, कितनी स्ट्रेंथ है और किस तरीके को हम इसे बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं, और वो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल और आपके सामने सुनीता धुर्वे इंटरनेशनल ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पहले स्टूडेंट है वो भी गर्ल्स है और वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप के लिए जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुए थाई चैंपियनशिप होती है एक माह की, उसमें खेलने के लिए बेलारूस जा रही है। और आपको बता दूं ये चैंपियनशिप 3 मई से 13 मई के बीच में बेलारूस मींस में आयोजित की जा रही है। बेलारूस में होने वाली इतनी बड़ी चैंपियनशिप के लिए भी सुनीता पार्टिसिपेट कर चुकी है। सर आपको थैंक यू सो मच, मैं कहना चाहूंगा कि इस गेम को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि उनके खिलाड़ी आज इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आपको। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया हमें और इस गेम को प्रमोट करने में थोड़ी हमारी मदद करी सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के इंदौर के और आसपास के सभी जिलों के लड़के लड़कियां इस गेम से जुड़े, इस गेम को खेले, ताकि इस गेम में सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी भी होती है, गर्ल्स इसको बेसिकली अच्छे से कर सकती है, क्योंकि फुल कॉन्टैक्ट कैटेगरी में अगर आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने ट्रेनिंग करती है तो मैं चाहूंगा गर्ल्स सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से सीख सकती है इस गेम के थ्रू। इस गेम के जरिए गर्ल्स अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है, सेल्फ डिफेंस सीख सकती है, तो बिल्कुल यार अभी आप भी तैयार हो जाइए। माना कि पूरा देश कहीं ना कहीं क्रिकेट की गेंद के पीछे इधर उधर भाग रहा है, तो यार क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी कुछ ऐसे गेम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं पहले से, लेकिन मुए थाई की बात करें या फिर ऐसे गेम्स की बात करें जिसमें
अगर इतने लोग नहीं है तो बिल्कुल आप एक बड़ी पोजीशन पे आप जा सकते हैं, जी सकते हैं। तो गाइस ये सेगमेंट कैसा लगा मुझे बताइएगा, फीडबैक देकर feedback@gmail.com पर कि ये सफर आपको कैसा लगा। मुई थाई आप भी बिल्कुल कराटे प्लेयर बन जाइए, मुई थाई सीखिए, पूरा नाम रोशन कीजिए अपने परिवार का, सिटी का, शहर का और बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का। सेगमेंट कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। शानदार सफर को अपने कैमरा में शूट किया भाई सिंगर जी ने, मैं विजय सेट्टी, देखते रहे यंगस्टर्स का।